तीन सदियों का जोहद मुसलसल था, जिसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान की शक्ल में हमारे असलाफ की कुर्बानियां रंग लाईं और पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। इसके पस मंजर में जो सदियों की मेहनत और सदियों का जिहाद था और सदियों की जिद्दोजहद थी, वो हमारे सूफियों ने, हमारे वलियों ने, हमारे उलमा व मशायख ने उसको इबादत समझ के उसमें हिस्सा लिया, इबादत समझ के दिन रात काम करते रहे। वो रात तहज्जुद गुजार हमारे अल्लाह के वली, उन्होंने इबादत समझ के इस अजीम तहरीक के जलसे किए, इसके जुलूसों में शामिल हुए और बर्रे सगीर के चप्पे चप्पे को बेदार किया, जिसके नतीजे में एक मुल्क बना जिसे हम मदीना शरीफ के बाद मदीना शरीफ का अक्स जमील कह सकते हैं कि जो नजरिया मदीना शरीफ की स्टेट का था, उस नजरिए पे जो मुल्क बना वो पाकिस्तान है। और कितने अजीम लोग हैं वो कि जिन्होंने उस फलसफे को सैराब करने के लिए अपना खून दिया, जो फलसफा फारान की चोटी पे खड़े होकर हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया था। ये नजरिया जो इंपोर्टेड नजरिया है, हकीकत में पूरी कायनात और फितरत का नजरिया है, जो अबू जाल के मुकाबले में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, वही राजा दहर के मुकाबले में मोहम्मद बिन कासिम ने पेश किया, वही नजरिया अकबर के मुकाबले में हजरत मुजद्दद अल्फ़सानी ने पेश किया, वही नजरिया राय राजू के मुकाबले में वो हजरत दाता गंजे बख्श हजवेरी ने पेश किया, वही नजरिया जो बाबा फरीद का नजरिया है, उस नजरिए पर मेहनत की गई, मुशक्कत की गई और उसे इबादत समझ के उसके लिए जिहाद किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान जैसा मुल्क बना। ये ऐसा मुल्क नहीं है जो नस्ल की बुनियाद पर लिया गया हो, जो रंग की वजह से लिया गया हो, जो जुग्राफिया की वजह से हो। ये ऐसा नहीं कि मशरक वालों का मुल्क है या मगरब वालों का या शमाल वालों का या जनूब वालों का या काले रंग वालों का या गोरे रंग वालों का या किसी खास बोली वालों का, नहीं, ये कलमे वालों का मुल्क है। इस बुनियाद पर जो मेहनत की गई तो वो खास निज़ाम था जो अर्श से उतरा और मदीना शरीफ से, मक्का शरीफ से जिसका पैगाम दिया गया और वहाँ से वो सौगात हमारे असलाफ यहाँ लेकर आए। और ये आज हम ही बयान कर सकते हैं और किसी को ये ना तौफीक हो सकती है और ना ही उनकी जुबान, उनका दिमाग, उनकी तबीयत इजाज़त देगी, क्योंकि सारे तबके उस वक़्त दूसरी बोली बोल रहे थे, वहदत हिंद अखंड भारत, ये उनका नारा था। वो सारे वहदत हिंद को लैला बना के उसके मजनू बने हुए थे, वो गांधी के चरणों में चढ़ रहे थे, वो काबा के मुकाबले में दिल्ली के लाल किले की बातें करते थे, वो जमजम के मुकाबले में गंगा और जमुना के पानी का तकद्दस बयान कर रहे थे। ये हमारे असलाफ थे जिन्होंने कहा था कि मिल्लत वतन से नहीं बनती, मिल्लत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत से बनने वाली है। बर्रे सगीर में तहरीकी आजादी को कुचलने के लिए अबुल कलाम आजाद जैसे लोगों ने तकरीरें की और हुसैन अहमद मदनी जैसे लोगों ने तकरीरें की कि कोई जरूरत तकसीम की नहीं, बस हमारा मुल्क एक है, हम एक हैं, चूंकि हमारा जुग्राफिया एक है, इस वास्ते जुदा नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान को। वो दलीलें दे देकर ये बातें समझा रहे थे, लेकिन ये हमारे असलाफ हैं जिन्होंने उन पर वाज़े किया कि वो नजरिया जो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था अबू जाल के मुकाबले में, उस वक्त के माहौल के मुकाबले में, उसके लिहाज से हमारा और हिंदू का फर्क है। एक जमीन पे रहने की वजह से मिल्लत एक नहीं बन गई, मिल्लतें हमारी जुदा जुदा हैं, उनका रहन सहन और है, हमारा और है। उनके नजदीक जो हलाल है वो कितनी चीजें हैं, हमारे नजदीक वो हराम है। हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक हैं जब हमारा फर्क है, हमारे इबादत के अपने तरीके हैं, हमारा सच्चा दीन है वो झूठे हैं और उनके पास उनकी कोई हैसियत नहीं है। इस बुनियाद पर बर्रे सगीर के तूलो अरस के अंदर जो गैरत इस्लाम का झंडा लेके निकली, उस गैरत को अहले सुन्नत की गैरत कहा जाता है कि जिन्होंने उस माहौल में अपने सीने तान के हिंदुओं के सितम भी बर्दाश्त किए, अंग्रेजों के भी, और इनके पालतू एजेंट जो लोग उनकी गोद में बैठकर उन्हें मुख्तलिफ किस्म के लकब दे रहे थे, उनके जुल्म सितम बर्दाश्त करके 10 लाख शहीदों ने खून दिया था और फिर 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान बना था। वो पिछली सदियों का जोहदे मुसलसल, वो 2 करोड़ मुसलमानों का घर छोड़ जाना, उसके बाद जाकर हमें ये मुल्क हासिल हुआ था। ये प्लेट में रख के किसी ने तोहफा नहीं दिया। उन लोगों से पूछो फिरदौस के बाला खानों में, आज उनकी रूहें हमसे सवाल करती हैं कि हमने कितने तकद्दस
और कितने मुकद्दस निजाम के पेश नजर ये मुल्क हासिल किया, और तुम इसके अंदर किन किन मकासद को जो बाद में लॉन्च कर रहे हो उनकी रूहों को भी अफसोस होता है। इस वास्ते आज अगर लफ्ज़ पाकिस्तान को ही हम सोचें तो हमारे बहुत से लोगों की उलझने खत्म हो सकती हैं। आज बातें होती हैं कि क्या पाकिस्तान सेकुलर रियासत है या ये दीनी रियासत है, इस पर लोग आपस में झगड़ा करते हैं। टेबल टॉक के अंदर चैनलों पर कई अमरीकी दुकानों के खिलौने और कई वो नाम निहाद फिक्री आवारा गर्द वो आज भी, यानी उन्हें 10 लाख शहीदों का खून नजर नहीं आता, वो इसको एक लिबरल सेकुलर रियासत के तौर पर साबित करना चाहते हैं कि जिसमें मजहब और दीन सानवी हैसियत में है, बस सटेट होना ये पहले नंबर पर है। जबकि हम इसकी पूरी जिद्दोजहद को देखते हैं और इसकी रूह को देखते हैं तो हमें हर तरफ ये नजर आता है कि पाकिस्तान का लफ्ज ही हमें बता रहा है कि ये सेकुलर निजाम वाली सटेट नहीं, ये रब्बे जुल जलाल के निजाम वाली सटेट है।